हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी देखेंगे ये दिल मेरा किंग ऑफ कथा का एक गाना आया है, तो चलिए देख लेते हैं। और उसका ट्रेलर तो देखे थे, व्हाट ए फैंटास्टिक ट्रेलर दैट वाज। दिलकर सलमान ने कमाल कर दिया था, एंड ट्विटर पे शाहरुख खान ने भी प्रेस किया, एंड दैट वाज रियली फैंटास्टिक वन। सो इसका गाना भी आया है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन, क्योंकि उस टाइम ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन बाद में हम इसके बारे में, इस मूवी के बारे में सर्च करके देखा है, तो एक कमाल का मूवी बनने जा रहा है। एंड इसका जो मेन पार्ट है, इसका पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा था उस ट्रेलर में, एंड हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम चार लैंग्वेज में रिलीज हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट बिग पैन इंडिया मूवी फॉर दिलकर सलमान, तो चलिए देख लेते हैं गाइस। फैंटास्टिक ड्रामेटिक शॉट दैट वाज द प्रीवियस शॉट इन द रेन। ओह, बहुत दिन बाद ऐसे टाइप का शॉट देख रहे हैं, एंड कमाल का गाना गाया है जो भोकाल ने, मतलब कौन गाया है देख रहेंगे, शान रहमान तो म्यूजिक है, उफ, यार रहमान एक था, अभी शान रहमान आ रहे हैं।
ओह, व्हाट ए फैंटास्टिक मेलोडियस सॉफ्ट ट्यून है यार. मतलब बेहतरीन बेहतरीन गाना बनाया. जस्ट मैं गाना सुनते सुनते देखते देखते कहाँ पे खो गया. व्हाट ए फैंटास्टिक सॉन्ग दैट वाज यार गाइस. रियली माइंड ब्लोइंग. व्हाट ए सॉफ्ट ट्यून. एंड इसका जो म्यूजिक डायरेक्टर है शान रहमान, कमाल का म्यूजिक दिया भाई. और ट्रेलर में भी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया था. और इसमें गाना ये भी बहुत बढ़िया. ये मेरा दिल चार चार लैंग्वेज में रिलीज हो रहा है, तो मैंने बाकी और क्या क्या कुछ लैंग्वेज में ये गाना रिलीज हो रहा है वो भी देखने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के बाद. एंड ये गाने का जो वायोलिन बजाया नोबेल सानी, वो भी बहुत बढ़िया काम किया है. एंड सिंगर अमित मुर्तेजा, आप भी बहुत बढ़िया काम किया है भाई. एंड सबसे बड़ा बात है जो पिक्चराइजेशन है, दैट वाज रियली ऑसम. अभी इतना सॉफ्ट ट्यून में इतना बेहतरीन गाना बहुत कम बन रहा है. अभी जवान का सिलिया सॉन्ग भी बहुत बढ़िया था. अनिरुद्ध का म्यूजिक है और ज्यादातर गाना बहुत कैची बन रहा है, या ऑटो ट्यून का यूज किया जा रहा है, या उसमें मतलब बहुत ज्यादा बीट है, लेकिन इतना सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक, बेहतरीन गाना है. एंड साथ में जो पिक्चराइजेशन है बारिश का वो सीन, उसके बाद जो बहुत सारे जगह है जो आंखों का जो एक्सप्रेशन ऐश्वर्या का, वो भी बहुत बढ़िया है. एंड साथ में दिलकर का जो लुक दिया गया है ना, लुक से एक अलग ही भाई वार है. एंड लाइब्रेरी वाला सीन, बारिश का सीन, मार्केट वाला जो एक्शन सीन में गाना, एवरीथिंग इज लुकिंग फैंटास्टिक ऑन दिस सॉन्ग. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी. मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ दिस मूवी के लिए. मतलब लव द सॉन्ग. एंड आई थिंक दिलकर सलमान का पहले पैन इंडिया मूवी होगा जो बहुत बड़े स्केल पर रिलीज होगा एंड हिट भी होगा, क्योंकि एवरीथिंग लुकिंग फैंटास्टिक इन दिस सॉन्ग. अगर स्टोरी में दम है तो ये मूवी बहुत बड़ा हिट होगा. सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय. एंड कॉमेंट सेक्शन जरूर बताना आप लोगों को गाना कैसा लगा, आपका क्या फेवरेट है.